आज हम सीखेंगे एक ऑसम सी टू डिजिट मल्टीप्लिकेशन ट्रिक। काफ़ी सिंपल है, अगर ये आप सीख जाते हो तो आप कुछ ही सेकंड्स में कोई भी डिजिट को सॉल्व कर सकते हो अपने माइंड में। और ये ट्रिक कुछ स्पेसिफिक नंबर्स पे अप्लाई होती है, सो लेट्स सी दैट। हम देखते हैं इसको एक एग्जांपल की मदद से। एग्जांपल वन, यहाँ पे हम एग्जांपल लिखते हैं 43 मल्टीप्लाइड बाय 47। तो इस ट्रिक में हम जो देखते हैं कंडीशन वो अप्लाई होती है वो कि टेंस में जो भी नंबर होगा वो सेम होना चाहिए दोनों जगह, और वंस में जो भी नंबर होगा उनका सम होना चाहिए 10। ओके, टेंस में जो नंबर होगा वो सेम होना चाहिए दोनों जगह पर, और वंस में जो भी नंबर होगा उसका सेम सम होना चाहिए 10। अब हम सॉल्व करते हैं इसको ट्रिक से, 43 मल्टीप्लाइड बाय 47। तो ये ट्रिक में थोड़ा अलग है, आप नॉर्मली मल्टीप्लाई करते हो वंस से, पर इसमें हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। हम जस्ट एज इट इज़ वो नंबर लिखेंगे कॉमन जो है 4 मल्टीप्लाइड बाय, वही नंबर पे एक जोड़कर उससे मल्टीप्लाई करना है 4 मल्टीप्लाइड बाय 5 जो कि होगा 20। जैसे अगर 33 मल्टीप्लाइड बाय 37 है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 मल्टीप्लाइड बाय 4, उससे एक प्लस करके उससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, सो 43 मल्टीप्लाइड बाय 47 इज इक्वल टू 20। आगे के ट्रिक देखिए, 4 मल्टीप्लाइड बाय 5 किया था हमने, 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस 1, बस उससे एक जोड़कर। फिर वंस में जो भी नंबर होगा ना, सिंपली उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, सिंपली उनको मल्टीप्लाई करना है जो कि होगा 20 20। यहाँ पे 7 3 या 21 आएगा और टोटल होगा आंसर इसका 2021 करंट ईयर। बहुत ही सिंपल से ट्रिक है। और एक हम देखते हैं कैसे करते हैं, लाइक 28 मल्टीप्लाइड बाय 22। सेम नंबर है टेंस में और वंस में वैसी नंबर है जिनका सम है 10। तो टेंस में हम मल्टीप्लाई करेंगे उससे एक जोड़कर जो कि होगा 2 × 3 = 6। 8 मल्टीप्लाइड बाय 2 क्या होगा, 16। तो आ गया आंसर 616। काफ़ी सिंपल सी ट्रिक थी। अगर आप 3 to 4 ऐसे क्वेश्चंस डेली माइंड में करेंगे तो ये आपको बहुत ही सिंपल लगेगी और काफ़ी अच्छी सी ट्रिक है, सेकंड्स में आप कर सकते हो। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।